हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं फॉर लूप की मदद से फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे एन की वैल्यू चाहिए और वो एन की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैं यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, लेट से इंटीजर एन। उसके बाद CLRSCR लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूं। अभी जो डिक्लेयर किया गया हुआ एन है वो हमें यूजर के पास से लेना है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटर फंक्शन लिखता हूँ, और उस प्रिंटर फंक्शन के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज दे देता हूँ, एंटर एन। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन लिखता हूँ, और स्कैनफ फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ %D एड्रेस ऑफ एन। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होने की वजह से हमारा इनिशियल स्टेटमेंट हम फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसा लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमें 1 से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पे कंडीशन के तौर पे लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल्स टू एन। और नेचुरल नंबर हम देखने जाए तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कि हम अपडेट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे i++, जो कि सिंपली हमारे नेचुरल नंबर में 1 का एडिशन करके हमें दे देगा। अभी फॉर लूप के अंदर की बात करें तो हमें वहां पे एक सिंपल सा मैसेज दे देना है, और उस मैसेज के अंदर हम लिखते हैं %D/N और उसके बाद i की वैल्यू। अभी हम फॉर लूप के एग्जीक्यूशन के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारा इनिशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन अगर सही है तो हमारे फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एक बार बॉडी का एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा अपडेट स्टेटमेंट यानी कि i++ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, उसके बाद फिर से हमारे फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और वो बॉडी का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फिर से हमारा अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन सही है तो हम फॉर लूप की बॉडी में फिर से जाएंगे, यानी कि फॉर लूप की बॉडी में जो लिखा हुआ टास्क है वो कंटिन्यूसली रिपीट होगा। लेकिन जब हमारी कंडीशन गलत होगी तब फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा और फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और उसके बाद वाले स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। अब यहाँ पे जो आई का यूज हमने किया हुआ है वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसी वजह से मैं यहाँ ऊपर आई डिक्लेयर कर देता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम का लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद कंपाइलेशन करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं एन की वैल्यू 5 इंसर्ट करता हूं, तो मुझे आउटपुट के तौर पे 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं। और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखे तो सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट आई इज इक्वल्स टू 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी आई लेस देन और इक्वल्स टू एन, यानी इस केस में 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 जो कि सही है, और इसी वजह से हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे जहां पे हमने आई को प्रिंट करवा है। अभी आई की वैल्यू 1 होने की वजह से 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अपडेट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है i++, यानी कि अब आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल्स टू 5 जो कि सही है, और इसी वजह से हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे। फॉर लूप के बॉडी के अंदर हमने फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यानी कि अब 2 प्रिंट होकर हमें मिलेगा। उसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, यानी इस केस में 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 जो कि सही है, और इसी वजह से हम फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, यानी कि अब आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारा अपडेट स्टेटमेंट यानी कि i++ एग्जीक्यूट होगा, अभी i की वैल्यू 3 होने की वजह से i की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5 जो कि सही है, और इसी वजह से हम फॉर लूप के बॉडी में जाएंगे जहां पे हमने i की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यानी अब 4 प्रिंट होकर हमें मिलेगा। उसके बाद फिर से हमारा अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर हमने लिखा है i++, यानी कि अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के अंदर हमने लिखा है आई लेस देन और इक्वल्स टू एन, यानी कि इस केस में 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जो कि ट्रू है, और इसी वजह से हम फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे।
जहां पे हमने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यानी कि अब 5 प्रिंट होके हमें मिलेगा। उसके बाद फिर से हमारा अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू अब 6 हो जाएगी। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी जहां पे हमने लिखा है आई लेस देन और इक्वल्स टू, यानी इस केस में 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा, जो कि गलत है और इसी वजह से हमारी फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अभी हम देख सकते हैं कि हमें 1 से लेके 5 तक के जो भी नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने थे वो हमें प्रिंट होके मिल चुके हैं। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स, जो कि परफेक्टली सही है। अभी जो आगे का केस हमने देखा था n इक्वल्स टू 5 के लिए, वैसे का वैसा केस यहाँ पे भी बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो लूप है वो 10 बार एग्जीक्यूट होता है और जब आई की वैल्यू 11 होती है तब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है और फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो आप इसी तरह से n की कोई भी वैल्यू इंसर्ट करके वहां तक के नेचुरल नंबर प्रिंट करवा सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।